हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एट्थ क्लास में हनीडू बुक से आज पढ़ रहे थे हम कल चैप्टर नंबर 8। कल हमने इसका जो पहला पैसेज था जून 24, ये कल हमने आपको पढ़ाया। कल हमने बताया कि जो रस्किन बॉन्ड हैं उनकी डायरी से कुछ उद्धरण लिए गए हैं, अंश लिए गए हैं, जिनमें प्रकृति के जो मूक चमत्कार हैं तथा जीवन की जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं उनके बारे में चित्रण किया गया था। कल 24 जून में हमने पढ़ा कि जो कोहरे का पहला दिन था वो बड़ा ही विचित्र था। पहाड़ियों पर चारों ओर कोहरे के छा जाने से पक्षी शांत हो जाते हैं और जो कोहरा होता है वो पहाड़ियों को छिपा देता है, बल्कि उनको स्थिरता का कंबल भी उड़ा देता है। पक्षी संगीत गाना बंद कर देते हैं। कल हमने पढ़ा ये सब। आज हम 25 जून यानी कि 25 जून से कुछ आगे 25 जून से चैप्टर को फिर से प्रारंभ करते हैं। तो चलिए बच्चों, प्रारंभ करते हैं। सम जेन्युइन अर्ली मॉनसून रेन वार्म एंड हमिड एंड नॉट दैट कोल्ड हाई एल्टीट्यूड स्टफ वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर। क्या कहा? सम जेन्युइन अर्ली मॉनसून रेन, कुछ शुरुआती मानसून बारिश, कुछ शुरुआती जो मानसून बारिश है गर्म व आर्द्रता भरी होती है। वार्म एंड हमिड, कैसी होती है वो? कि जो शुरुआती जो मानसूनी बारिश होती है वो गर्म व आर्द्रता से भरी हुई होती है, यानी कि थोड़ी सी गर्म होती है और थोड़ी सी उसमें नमी से भी रहती है। एंड नॉट दैट कोल्ड हाई एल्टीट्यूड स्टफ वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर, और उतनी ठंडी नहीं होती जितना कि ऊँचे इलाकों में वर्ष भर रहती है। यानी कि जो ऊंचे इलाके हैं वहाँ पर जो बारिश का पानी होता है बहुत ही ठंडा होता है। तो जब शुरुआती मानसून की बारिश होती है तो गर्म और आर्द्रता से भरी हुई होती है और उतनी ठंडी नहीं होती है जितना कि ऊंचे इलाकों में वर्ष भर रहती है। द प्लांट सीम टू नो इट टू एंड द फर्स्ट कोबरा लिली रेयर्स इट्स हेड फ्रॉम द फर्न एंड आई वॉक अप टू बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। क्या कहा? दीप ऑल ईयर एंड दैट कोल्ड हाई एल्टीट्यूड स्टफ वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर, और वर्ष भर ऊंचे इलाकों में रहती। ऐसा प्रतीत होता है कि पौधे भी ये जानते हो। द प्लांट्स सीम टू नो इट टू, सीम टू नो, ऐसा प्रतीत होता है कि पौधे भी यह जानते हो। और जब मैं बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, बैंक या डाकघर गया तो पहली कोबरा लिली जो कि एक प्रकार का पौधा होता है, को परिणाम में से गई ऊपर सिर उठाए पाया। यानी कि जो एक प्रकार का पौधा होता है, जिस प्रकार से कोबरा जो सांप होता है अपने फन को उधर रखता है, ऊपर उठा के रखता है, इसी प्रकार से ये पौधा होता है जो कोबरा टाइप से लगता है। तो उसके लिए क्या कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पौधे भी यह जानते हों, और जब मैं बैंक या डाकघर गया तो पहली कोबरा लिली एक प्रकार का जो पौधा होता है को प्रणाम में से की गई अपना सिर उठाए हुए पाया। यानी कि मैंने उसे अपना कोबरा लिली को ऐसा महसूस किया जैसे कि वो अपना फन उठाए हो। दे मिस्ड एफोर्ड्स ए शर्टन प्राइवेसी, और कोहरा एक विशेष निजता का एहसास कराता है। द मिस्ट एफोर्ड ए शर्टेन प्राइवेसी, और कोहरा एक विशेष निजता का एहसास कराता है। ए स्कूल बॉय आस्क्ड मी टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली इन वन सेंटेंस एंड ऑल आई कुड से वाज ए पैराडाइज दैट माइट हैव बीन। ए स्कूल बॉय आस्क्ड मी, एक स्कूल का छात्र मुझसे पहाड़ी इलाके, डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली इन दी वन सेंटेंस, एक स्कूल का छात्र मुझसे पहाड़ी इलाके व घाटी को एक वाक्य में वर्णन करने के लिए कहता है। ए स्कूल बॉय, एक स्कूल का जो बच्चा होता है वो मुझसे पहाड़ी इलाके व घाटी को एक वाक्य में वर्णन करने के लिए कहता है। एंड ऑल आई कुड से वाज, और मैं केवल इतना ही बोल सका एक स्वर्ग जो हो सकता था। यानी कि जब उसने कहा कि एक वाक्य पूर्ण वाक्य में मुझे बोलने के लिए कहा तो मैं केवल इतना ही बोल सका कि एक स्वर्ग जो ऐसा हो सकता था, यानी कि जो पहाड़ों का मनोरम दृश्य था वो ऐसा था जिस प्रकार से स्वर्ग सुंदर नज़र आता है। आगे देखें।
ये तो था। अब देखिए जून 27, जून 27, देखिए जून 27, द रेन हैव हार्लेड द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर्स, ए लियोपार्ड एंड सेवरल थाउजेंड लीचीज। क्या कहा? लियोपार्ड होता है तेंदुआ, और जो क्या कहा, वर्षा से कुछ मौसमी आगंतुकों, क्या कहा, द रेन हैज हेराल्डेड द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर्स। वर्षा ने कुछ मौसमी आगंतुकों, विजिटर्स होते हैं आगंतुक, जैसे कि एक तेंदुआ में कई हजार जोंकों के आगमन की उद्घोषणा कर दी है। यानी कि जैसे ही मानसूनी बारिश शुरू होती है तो एक तेंदुआ आता है, क्या आता है, ए लेपर्ड एंड सेवरल थाउजेंड लीचीज, और लीचीज होती है जोंक, तो एक तेंदुआ में कई हजार जोंकों के आगमन की उद्घोषणा कर दी। यस्टरडे आफ्टरनून द लेपर्ड लिफ्टेड ए डॉग फ्रॉम नियर द सर्वेंट्स क्वार्टर बिलो द स्कूल। क्या है? कल दोपहर तेंदुए ने क्या किया, स्कूल के नीचे नौकरों के क्वार्टरों के पास से एक कुत्ते को उठा लिया था। यस्टरडे आफ्टरनून द लेपर्ड लिफ्टेड ए डॉग फ्रॉम नियर द सर्वेंट क्वार्टर्स बिलो द स्कूल। कल दोपहर तेंदुए ने स्कूल के नीचे नौकरों के क्वार्टरों के पास से एक कुत्ते को उठा लिया था। इन द इवनिंग इट अटैक्ड वन ए बिज्जू काउज बट फ्लैड एट द अप्रोच ऑफ ए बिजूज मदर हु केम स्क्रीमिंग इम्प्रेकेशन। क्या कहा, शाम ने इसने बिज्जू की गायों में से एक पर हमला कर दिया था, और शाम के समय उस तेंदुए ने क्या किया, जो बिज्जू की गायें थी उनमें से एक गाय पर हमला कर दिया था। बट बिज्जूज काउज बट फ्लीड एट द अप्रोच ऑफ बिज्जूज मदर, परंतु बिज्जू की माँ के पहुँचने से वह भाग गया जो चीखती अभिशापित देती हुई आई देती। यानी कि जो बिज्जू की माँ थी वो चीखती हुई और अभिशाप देती हुई दौड़ी हुई सी आई, जिसे देख करके तेंदुआ उस गाय को छोड़ करके वहीं पर भाग गया। हुकम स्प्रिंग इम्प्रेशन, जो कि चीखती हुई अभिशाप देती हुई आई थी। एज फॉर द लीसिस, और जहाँ पर जहाँ तक जोंकों की बात है, आई शैल सून गेट यूज टू लिटिल ब्लड लेटिंग एवरी डे, मैं शीघ्र ही हर रोज़ थोड़ा बहुत रक्त हानि का आदि हो जाऊँगा। यानी कि जहाँ तक जोंक है वो रक्त पीते हैं, तो क्या कहा, जहाँ तक जोंकों की बात है, मैं शीघ्र ही हर रोज़ थोड़ा बहुत रक्त हानि का आदि हो जाऊँगा। यानी कि उन्हें थोड़ा थोड़ा रक्त पिलाने में मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। अदर न्यू अराइवल आर द स्केरलेट मिनवेट्स, द फीमेल आर येलो फ्लिटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स। अन्य नए आगंतुक लाल रंग के पपैये थे, आर द स्केरलेट मिनवेट्स, द फीमेल्स आर येलो। और जो अन्य नए आगंतुक थे वो लाल रंग के, मादा पीले होते हैं लेकिन ये लाल रंग के पपैये थे, जो कि क्या थे, फ्लिटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स, जो शानदार आभूषणों की भांति पत्तियों के बीच में मंद गति से उड़ते रहते हैं। यानी कि जो पपिये होते हैं वो शानदार आभूषणों की भांति पत्तियों के बीच में मंद गति से उड़ते रहते हैं। नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज, दीज ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स कैन नॉट कंसील देमसेल्व्स। चाहे कितने भी पत्तीदार पेड़ हों, चाहे नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज, चाहे कितने भी पत्तीदार पेड़ हों, ये चमकीले रंगों वाले पक्षी अपने आप को छुपा नहीं सकते हैं। दीज ब्राइटली कलर्ड, ब्राइटली कलर्ड मानी चमकीले जो पक्षी हैं, ब्राइटली कलर्ड बर्ड, चमकीले रंग के जो पक्षी हैं, कैन नॉट कंसील देमसेल्व्स, अपने आप को छिपा नहीं सकते हैं देमसेल्व्स, ऑल दो यद्यपि बाई रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट, यद्यपि पूर्ण रूपेण शांत रहकर वे अदृश्य हो जाने की योजना बनाते हैं। साइलेंट दे समटाइम्स कॉन्ट्रीब्यूट टू गो टू अननोटिस्ड, कभी कभी यद्यपि पूर्ण रूपेण शांत रहकर वे अदृश्य हो जाने की योजना बनाते हैं। अमोंग कम ए पेयर ऑफ ड्रैगन्स, इन्हीं के साथ ड्रोंगो
ड्रोंगो यानी पक्षी का जो जोड़ा होता है वो अननेसेसरीली एग्रेसिव चेजिंग द मिनीवेट्स अवे। और इन्हीं के साथ पक्षियों का जो जोड़ा अनावश्यक रूप से आक्रामकता के साथ पपीहों को दूर तक पीछा करता हुआ जाता है। और हम क्या देखते हैं कि जो पक्षियों का जो जोड़ा होता है वो अनावश्यक रूप से जो आक्रामकता के साथ पपीहे होते हैं उनका पीछा करता हुआ दूर तक जाता है, यानी कि उन पपीहों का पीछा करते हैं और उनको दूर तक खदेड़ कर आते हैं। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, ये दो स्टेंज हमने पढ़ाई जून 25 और 27। कल नेक्स्ट वीडियो में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स टू ऑल।